वो सवाल क्या कुछ कह रहे थे, एक एक करके सवालों पर नजर डालते हैं, आखिरकार समझते हैं कि जो तमाम महत्वपूर्ण सवाल हमने रखे वो पहले क्या है। पहला महत्वपूर्ण सवाल, विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू प्लान टू वोट फॉर इन अपकमिंग जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन। ये हमने तमाम मतदाताओं के सामने सवाल रखा था कि अगर वो चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं तो किस पॉलिटिकल पार्टी पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने एक एक करके इलेक्शन मैनिफेस्टो रखे उनमें किस पर ज्यादा आपको भरोसा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द करंट पॉलिटिकल लीडरशिप इन जम्मू कश्मीर। मौजूदा जो व्यवस्था है आखिरकार आप उनसे कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या उनके प्लस हैं और क्या उनके माइनस हैं जिसके आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगला महत्वपूर्ण सवाल, डू यू बिलीव दैट द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज बेनिफिट जम्मू कश्मीर। तो 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर में क्या कुछ तब्दीली लाया, क्या वो ठीक था या नहीं, यह भी अगला महत्वपूर्ण सवाल जो हमने तमाम मतदाताओं के सामने रखा जिसके आधार पर तमाम मतदाता मत अधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। इसके अलावा अगला सवाल, व्हाट इज द मोस्ट क्रशिंग इशू फेसिंग जम्मू कश्मीर टुडे। जम्मू कश्मीर आज जो एक अलग स्थिति से गुजर रहा है उसके सामने सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या है जिसके आधार पर आप वोट डालते हुए नजर आएंगे। क्या महंगाई है, क्या रोजगार है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आतंकवाद है, क्या 370 है या ड्रग्स का कारोबार है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, हाउ डू यू रेट द गवर्नमेंट्स एफर्ट इन द हैंडलिंग सिक्योरिटी इश्यूज इन द रीजन। जो मौजूदा जम्मू खत्ता है या कश्मीर प्रोविंस है, इन दोनों ही इलाकों में जो सरकार के जो तमाम प्रयत्न किए गए, प्रयास किए गए, फैसले लिए गए, क्या वो ठीक नजर आ रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से जिसके आधार पर आपने इस बार मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, आर यू इन द फेवर ऑफ लिफ्टिंग द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफ्सपा। कश्मीर रीजन के कई इलाकों में जो अफ्सपा कानून लगातार लगे हुए उसको लेकर भी हमने बेहद संवेदनशील सवाल सुना पूछा और आप चौंक जाएंगे क्योंकि कई लोगों ने खुलकर इस पर अपनी अपनी राय दी है हमारे उस महत्वपूर्ण एग्जिट पोल में जो क्वेश्चंस हमने उनके सामने रखे। ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल जो हमने एक एक करके उनके सामने रखे। और इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण सवाल, डू यू थिंक द करंट गवर्नमेंट हैज डन एनफ टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें 2014 से 2024 तक इन 10 सालों में एक लंबा सफर तय किया है। चाहे सत्तासीन पार्टियों की हम बात कर लें, चाहे विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभा रही अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी की प्रायोरिटी रहा, प्राथमिकता रहा। लेकिन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो उसने काम किया आप उनसे संतुष्ट नजर आया नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यंग जनरेशन का, हाउ डू यू असेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन जम्मू कश्मीर। क्या मौजूदा व्यवस्थाएं आपको भरसक नजर आ रही हैं, पर्याप्त नजर आ रही हैं पर्यटन के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लिहाज से, या और कुछ करने की जरूरत है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, डू यू फील दैट द करंट इलेक्टोरल प्रोसेस एडिक्वेटली रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल इन जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया से पहले कई लोग व्यवस्था पर, कई लोग मौजूदा हालातों पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा ये भी हमने सवाल गाहे बगाहे अपने जो क्वेश्चनर था उसमें रख दिया। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, अगला महत्वपूर्ण सवाल जो हमने तमाम मतदाताओं के सामने रखा वो था, हु डू यू प्रेफर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। कई महत्वपूर्ण चेहरे थे जो दशकों की सियासत के बाद इस बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन जो जनता है 87 लाख से ज्यादा की, क्या आखिरकार वो मुख्यमंत्री का सबसे मुफीद चेहरा किसको मानती है, यह भी सवाल हमने उनके सामने रखा। अगला महत्वपूर्ण सवाल, डू यू थिंक दैट द करंट पॉलिटिकल लीडर इन जम्मू कश्मीर आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एड्रेसिंग द रीजन्स चैलेंज। यह महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जम्मू कश्मीर में आम जनता से पूछे हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, डू यू बिलीव दैट द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर शुड बी फ्रॉम द कश्मीर वैली जम्मू रीजन और डज इट नॉट मैटर। क्योंकि इस बार जम्मू प्रोविंस कश्मीर प्रोविंस दोनों